नमस्कार, मैं साक्षी निर्वाण और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। अयोध्या मामले में मध्यस्थता को लेकर फैसला सुरक्षित। समय बचाने के लिए क्या अयोध्या विवाद को मध्यस्थ के पास भेजा जा सकता है या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। संविधान पीठ ने सभी पक्षकारों से मध्यस्थता पैनल के लिए आज ही नाम देने के लिए कहा, ताकि जल्दी आदेश निकाला जा सके। इससे पहले 26 फरवरी को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अपनी निगरानी में मध्यस्थता के जरिए विवाद का समाधान निकालने पर सहमति जताई थी। स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर तीसरी बार अव्वल, छोटे शहरों में उज्जैन ने मारी बाजी। स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 के लिए देश के सबसे स्वच्छ शहरों के नाम ऐलान हो गए हैं। इंदौर लगातार तीसरी बार अव्वल रहा है। सबसे स्वच्छ राजधानियों में भोपाल पहले स्थान पर है। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में अहमदाबाद और 5 लाख से कम आबादी वाले शहरों में उज्जैन ने बाजी मारी है। सबसे स्वच्छ छोटा शहर NDMC दिल्ली रहा है। पुलवामा और मसूद अजहर पर भारत ने पूरी दुनिया को दिया सबूत। आतंकी मसूद अजहर पर संयुक्त राष्ट्र में प्रतिबंध लगाने पर समर्थन हासिल करने के लिए भारत ने दुनिया के सभी देशों में अपने दूतावासों और उच्चायोगों के माध्यम से डोजियर भेजे हैं। इनके माध्यम से सभी देशों को पुलवामा हमले और मसूद अजहर से संबंधित सबूत दिए जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन अब भारत के साथ है और उन्होंने फिर से नया प्रस्ताव पेश किया है। राफेल के आते ही वायुसेना से हटेंगे MiG-21 फाइटर जेट। भारतीय वायुसेना 4 दशक पुराने मिग विमानों को अगले 3 साल में सेवा से हटा देगी। इनकी जगह अत्याधुनिक राफेल विमान लेंगे। इस साल के आखिर में जैसे जैसे राफेल विमान मिलने शुरू होंगे, वैसे वैसे पुराने MiG-21 विमानों को युद्धक भूमि से हटाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। पहले चरण में 2022 तक सभी MiG-21 विमानों को हटा दिया जाएगा। इसके बाद MiG-27 और MiG-29 को हटाया जाना है। MiG-21 की बची है केवल 3 स्क्वाड्रन। 1964 में भारतीय वायु सेना को पहला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान MiG-21 मिला था। MiG-21 की अब सिर्फ 3 स्क्वाड्रन बची हैं, जिनमें करीब 40-45 मिग विमान हैं। ये विमान उन्नत किए हुए हैं, जिन्हें MiG-21 बाइसन के रूप में जाना जाता है। MiG-21 बाइसन ने ही पाकिस्तान के उन्नत F-16 विमान को ध्वस्त कर दिया था। कुछ MiG-21 विमान ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। मेरठ के लिए ऐतिहासिक पल, शुरू हुआ आकाशवाणी केंद्र। मेरठ में सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने आज आकाशवाणी केंद्र का उद्घाटन किया। 10 करोड़ रुपए की लागत से बने आकाशवाणी केंद्र से मेरठ और आसपास के 40 किलोमीटर के दायरे में कार्यक्रम सुने जा सकेंगे। स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम तैयार करने में अभी समय लगेगा, इसलिए फिलहाल यहाँ से दिल्ली और लखनऊ आकाशवाणी केंद्र के कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाएगा। पराली जलाने से हो रहा 2 लाख करोड़ का नुकसान। उत्तर भारत में खेतों में पराली जलाने के कारण होने वाले प्रदूषण से देश को सालाना $30 अरब यानी करीब 2.1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। यह प्रदूषण खासतौर पर बच्चों में सांस संबंधी गंभीर बीमारियों का बड़ा कारण है। अमेरिका के इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के अध्ययन के अनुसार वायु प्रदूषण से क्षेत्र विशेष में रहने वाले की काम करने की क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। मारुति जिप्सी का थमा सफर, प्रोडक्शन हुआ बंद। मारुति सुजुकी ने जिप्सी के प्रोडक्शन को बंद कर दिया है। मारुति जिप्सी को भारत में 1985 में लॉन्च किया गया था। कंपनी ने डीलर्स को भेजे स्टेटमेंट में कहा कि जिप्सी के सारे वेरिएंट्स के प्रोडक्शन को बंद कर दिया गया है, इसलिए इसकी बुकिंग लेना बंद कर दे। इस साल अप्रैल और अक्टूबर से कुछ नए सुरक्षा नियम आने वाले हैं, जिनकी वजह से कंपनी ने ये निर्णय लिया है। धोनी और रोहित के प्लान ने दूसरे वनडे में दिलाई जीत। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे एक दिवसीय मैच में शतकीय पारी खेलने वाले कप्तान विराट कोहली ने कहा कि वह 46वें ओवर में विजय शंकर को गेंद सौंपना चाहते थे, लेकिन धोनी और उपकप्तान रोहित शर्मा ने उन्हें ऐसा करने से रोका। उन्होंने बुमराह और शमी के साथ गेंदबाजी जारी रखने की सलाह दी। आखिरी ओवर में विजय शंकर ने 2 विकेट झटक कर जीत भारत की झोली में डाल दी। अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी का फर्स्ट लुक जारी। अक्षय कुमार स्टार फिल्म सूर्यवंशी का फर्स्ट लुक रिलीज कर दिया गया है। रोहित शेट्टी के निर्देशन में बन रही ये फिल्म 2020 में ईद के मौके पर रिलीज होगी। फिल्म में अक्षय कुमार ATS चीफ की भूमिका निभाएंगे। सिम्बा के दौरान ही इस फिल्म की घोषणा कर दी गई थी। रोहित शेट्टी सिम्बा के अलावा दिलवाले, सिंघम, चेन्नई एक्सप्रेस, गोलमाल सीरीज, बोल बच्चन और ऑल द बेस्ट जैसी फिल्में बना चुके हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ लाइव।